नमस्कार, स्वागत है आपका MS7 न्यूज में। कुछ दिन पूर्व ग्वालियर के समीप 2 वर्षीय मृतक गुलदार बरामद हुआ था और पोस्टमार्टम के समय मालूम हुआ कि गुलदार के आगे के पैर के 6 नाखून गायब थे, जिसके बाद विभाग की ओर से इसकी जांच शुरू कर दी गई थी और कल देर शाम इस मामले में संलिप्त सभी लोगों को पकड़ लिया गया है। वहीं DFO पौड़ी आकाश कुमार वर्मा ने बताया कि 29 मई को एक मृतक गुलदार उन्हें बरामद हुआ था, जिसको पोस्टमार्टम के लिए लाया गया था। वहीं त्वाली गांव के एक व्यक्ति को शक के आधार पर पूछताछ के लिए बुलाया गया, जिसके बाद उसने अन्य 2 लोगों का नाम बताते हुए स्वीकार किया कि उन तीनों ने मिलकर गुलदार के 6 नाखून चुराए थे, जो कि उनके घर से बरामद भी कर लिए गए हैं। इस सभी के बाद इन लोगों के विरुद्ध भारतीय वन जीव संरक्षण अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है। पौड़ी से प्रदीप नेगी की रिपोर्ट। 29 तारीख को एक सूचना फील्ड से आई थी कि एक गुलदार का शव मिला है, शावक का, और शव को देखा तो वो करीब 2 से 3 दिन पुराना बताया जा रहा था। शव के हाथ के आगे वाले हाथों के नाखून कुछ गायब पाए गए थे। शव को कब्जे में लेकर के जो विधिक कार्रवाई है उसको करते हुए, उसका पोस्टमार्टम कराते हुए उसका अंतिम संस्कार किया गया, जला के नष्ट किया गया, और उसके बाद इस वाले प्रकरण की खोजबीन शुरू की गई कि वो नाखून कहाँ हैं, किसके पास हैं। तो इसमें कुछ सुराग मिले और सुराग मिलने के आधार पर हम लोगों ने अपनी जांच आगे बढ़ाई। इसमें लियाली गांव के एक संदिग्ध का नाम सामने आया था, उससे थोड़ी सख्ती से पूछताछ करने पर उसने अपना ये कबूल किया कि नाखून उसने ही हटाए थे। तो कुल मिला के 6 नाखून जो उसने हटाए थे वो फिर बरामद किए गए। 1 नाखून उसके घर से बरामद किया गया, उसके बाद उसकी निशानदेही पर 2 और लोगों के घर से भी नाखून बरामद किए गए। तो इन सभी को अभियुक्त बनाते हुए, इसमें प्रकरण में दोषी, इनको अपराधी मानते हुए इनके विरुद्ध भारतीय वन जीव संरक्षण अधिनियम की संगत धाराओं के तहत कार्रवाई की जा रही है और इनको आज कोर्ट पेश किया गया है।